सरकार जो रिस्ट्रिक्शन डालेगी कि पानी की तुम्हें जरूरत नहीं चाहिए, तो हमारे देश का जो स्वभाव है वो दूसरे दिन हमारी मांगे पूरी करो, मोदी मुर्दाबाद शुरू हो जाएगा। चलिए मैं काशी जो आए हैं उनको कहना चाहता हूँ, ये 5000 साल पुराना शहर और दुनिया को ये इतनी बड़ी विरासत को कैसे परिचित करवा सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब गूगल के लोग 3D कंसेप्ट से टूरिस्ट प्लेस को करते हैं, लेकिन हम मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और वो QR कोड पर अपने मोबाइल फोन से वहां आकर के लोड कर ले और वो मोबाइल फोन से चलते 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 पूरे 5000 साल के इतिहास के साथ खूब जी रहा है, जुड़ सकता है, जैसे उसी समय में वो मौजूद है। इस प्रकार का कोई ऐप बना करके हम दुनिया के अंदर इसकी वाहवाही करवा सकते हैं। आप में से किसी को बोस्टन जाने का अवसर मिला होगा तो बोस्टन में दो चीजें आपको मिलेंगी, शिक्षा का वो बड़ा धाम है, दुनिया के कई लोग बोस्टन में पढ़ने जाते हैं, वहां पर स्ट्रीट है जहां ज्यादातर कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, उसका नाम काशी है, वाराणसी स्ट्रीट मानी जाती है और वहां जो रहते हैं उनको गुरु कहते हैं, सबको गुरु के नाम से जानते हैं। सारे लोग तो अंग्रेज हैं, अमेरिकन लोग हैं और देशों के हैं, लेकिन ज्ञान का केंद्र यानी वाराणसी और ज्ञान देने वाला यानी गुरु, ये दोनों शब्द बोस्टन की एक स्ट्रीट पर बहुत पॉपुलर है। तो ये वाराणसी के प्रति गर्व करते हुए हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? मैं चाहूंगा कि आप सब नौजवान वापस जाने के बाद इस पर काम कीजिए कि ऐसा कोई वाराणसी का ऐप बने कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आए उसको अपनी भाषा में 5000 साल के साथ जीने का उसको एक इंटरेक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में मौका मिल जाए। सब वाराणसी में है, अभी जो असाइनमेंट तय हुआ है, कोई काम तय हुआ है, वो तो है कि आपको विचार आता है कि ऐसा और कुछ क्या सोच सकते हैं जाने के बाद मित्र दोस्तों की जोड़ी बनाएंगे और अपने कॉलेज में जाकर के कुछ कोशिश करेंगे, तो ऐसा कौन सा नया काम कर सकते हैं जो वाराणसी के लिए आप सोच सकते हैं? My problem statement is collecting information regarding the untreated effluent that are linked to river water. So, I think we are providing a solution. The solution is basically on camera application, camera Android application. The end. So, are you based in Chennai or based in Varanasi? Based in Chennai. Chennai. So, this is the first time you visited Varanasi? Yes, sir. Are you down to see the Ganga? Yes, sir. Okay. Now done. Our solution is that we are developing a camera application. The end users are actually common people. So if someone finds such people activity in of their issue, like that is to river water, they can capture it with their mobile phone and they can upload it. That way, which we are providing is a geo tagging. So that the application will be uploaded along with the page. Using cloud machine API in order to compare those data set, the existing data set, and also to verify whether it's a fake or real. And then another feature is that the authorities of water ministry can verify, look at those database and they can take mandatory action. And even we are providing a feedback system so that the people who have made a complaint, they can review what are the actions taken over their complaint, and they'll be getting a monthly report also regarding the action. My name is Chitrin Munthe and I am representing Mines Institute of Technology, Maharashtra. And यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि मतलब का जो पानी है उसे सस्टेनेबली यूज करना कितना इम्पोर्टेंट है और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिस से रिलेटेड है, तो हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि हम फार्मर्स को ऐसा डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोवाइड करें कि वो अपना फार्म का और उस इन्फॉर्मेशन को इरिगेशन डिपार्टमेंट इस तरह एनालाइज करें कि गंगा का पानी जितना भी यूज हो वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट यूज हो
तो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि भाई गंगा से कितना पानी जा रहा है, उसको नापना, फिर उनको रोकना है, रोकना वगैरह। क्या आप उस दिशा में जा सकते हैं कि खेत में सेंसर हो और सेंसर से पता चले कि आज इतनी ह्यूमिडिटी है, आप 3 घंटे तक पानी की जरूरत नहीं है, आपको इतना। अगर मैं समझता हूँ उस दिशा में जाए एंड यूजर पर, अगर हम आप सेंसर का उपयोग करते हुए और आपका आईटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उसको अगर प्लग करें तो उस किसान को पता चलेगा कि मुझे पानी की जरूरत नहीं है। Surely we visit all the areas in Varanasi in order to analyze any problems and water management in Ganga Rajivadishi also. नहीं, अभी तो आपको जो है करना है assignment हो और उसी को करिए, उसी को पूरा कीजिए कि जाते जाने के बाद। अच्छा हमारा काम नहीं सर, I have a question to ask you. Is it possible to interconnect all the rivers in India as the wish of our former बिल्कुल हमारा इरादा है, क्योंकि देश में देखिए दुनिया में जो पॉपुलेशन है उसका करीब 17% पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, लेकिन दुनिया में जो पानी है उसका सिर्फ 4% पानी हमारे पास है। हमारी रिक्वायरमेंट की तुलना में हमारे पास बहुत कम पानी है। 17% पॉपुलेशन और 4% पानी, इसका मतलब हुआ कि समय से रहते हुए हमें पानी का सदुपयोग सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ नदियों में कहीं फ्लड आता है और कहीं नदियाँ सूखी पड़ी, जब तक हम रिवर इंटरलिंकिंग नहीं करेंगे। हमें आपको शायद पता होगा, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो नर्मदा नदी को हमने 21 नदियों के साथ अभी किस नदियों को जिंदा किया, और उसके कारण वहाँ के एग्रीकल्चर में, वहाँ के वाटर लेवल में बहुत बड़ा बदलाव आया। इवन लोगों को पीने का पानी, अगर पीने का पानी शुद्ध मिलता है तो रेल सेक्टर का बहुत बड़ा खर्चा कम हो जाता है, और वो मैंने अनुभव किया है कि पीने का शुद्ध पानी मिले, अगर हम पानी बचाते हैं, हमारे वर्षा का ऋतु का पानी बचाना, नदियों का पानी बहता है उसको बचाना, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाना। तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कई कामों को भाग लिया है। रिवर ग्रेड में इंटरस्टेट के इश्यू रहते हैं, उन सारे समस्या समाधान करते हैं, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में हमारा पूरा प्रयास है, और मुझे लगता है तो सपना कभी न कभी तो साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप My name is Rajeshwari. Rajeshwari, where are you from? I'm from Chennai. You talked with the PM. What kind of discussion you had? Actually, it was really, I was really excited to talk with PM. And the one thing which I was astounded is like, after finishing my talk, he just wished me in my mother tongue. He told Vanakkam. That was really, I feel so blessed. And then I feel really happy because he's respecting all the cultures. It's like, he is the ideal Prime Minister, as all we know. And what kind of discussion about this program, about this all event? Actually, the main aim of this program, this event is actually, this hackathon is to generate new ideas, and also this program, particularly this new session is, he was really interested to know about what are the innovations the younger generations are doing, and he was really motivating us. He was giving even better ideas to us, he was giving us motivation and better ideas to improve our projects. What kind of idea you have converted with the PM? Actually, he told us like when I the question he asked to me is that what is the problem, like have you seen the problems that are currently in Varanasi related to this Ganga rejuvenation problem? So that's what I answered. After finishing this hackathon, surely we'll visit all the places in Varanasi. So that what kind of actions are taken for this problem in Ganga rejuvenation, and what are the issues in around Varanasi for water management? It was mainly considered about this river management a lot. पहले जो साधारण जो पारंपरिक रूप से सिंचाई करते थे वो पानी छोड़ देते, जिसको फ्लडिंग बोलते हैं, पानी जो है जितनी जरूरत है कम उसका है, लेकिन बहुत पानी देते हैं उसमें देते थे। क्या हम ड्रिप इरीगेशन कर सकते हैं, क्या हम स्प्रिंकलर लगा सकते हैं,
उससे 20% पानी में काम चल सकता है। स्प्रिंकल गंगा ड्रिप इरीगेशन में अगर हम फर्टिलाइजर की जो है मात्रा भी कम होगी, उससे लागत जो है कम आएगी। किसानों की आय दुगना करने का जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, क्या उस विषय में हम आगे बढ़ सकते हैं? तो इन सब बातों में देर देर के जो समस्याएँ हमारे देश के सामने है, मिनिस्ट्रीज के सामने है, समाज के सामने है, ये हमारे जो यंग माइंड, हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही ब्रिलियंट हैं, आपको मालूम है, बड़े ब्राइट हैं, तो निश्चित रूप से उनका समाधान मंत्री जी। एससी लीक प्रकरण में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई और छात्र लगातार आंदोलित हैं, इसके बारे में आज शाम को ही उस पर निर्णय होने वाला था। और ये था कि जहाँ पर इस सब बच्चों को जो है दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, जहाँ पर लीक हुआ है केवल वहीं के बच्चों के लिए पूरी इंक्वायरी के बाद ये तय किया जाएगा किन बच्चों को दोबारा पुनः परीक्षा देना होगा। मंत्री एक सवाल और है, गंगा की सफाई को लेकर के ही BHU के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बैक्टीरिया फाउज पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अटका हुआ है विश्वविद्यालय से। हम तो जो है सबका स्वागत करते हैं, जो भी वैज्ञानिक लोग हैं, जो चिंतक लोग हैं, जो गंगा की सफाई के लिए जिनका कोई भी योगदान हो सकता है, हम उनको खुले दिल से उनका जो है उनको स्वागत करते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं, हमें बताएं उनका क्या प्रोजेक्ट है।